हेलो एवरीवन, चैनल आपका स्वागत है। मैं हूँ मोहित और आप देख रहे हैं ट्रैवल फ्रेंडली। तो आज मैं जा रहा हूँ एयर, मैं सोच रहा बाइक के कुछ शॉट्स ले लूँ, मतलब वीडियोस, और बाइक के बारे में एक वीडियो बनाना था। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे जो बता रहे थे कि उनकी बाइक में बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज है, पर मुझे लगा शायद मेरी बाइक में उससे ज़्यादा एक्सेसरीज है। मुझे लगा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें बताऊँ मैं आपको कि क्या क्या एक्सेसरीज लगा है। तो उसके लिए हम अभी जा रहे हैं और अभी आपको मैं दिखाऊँगा। तो ये है ये एयर का रोड और ये एयरपोर्ट स्टेशन, तो चलो जाते हैं। बाकी मैं हमेशा एयर में वॉक करने के लिए आता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे थोड़ा अच्छा है, मतलब सीनिक प्लेस है, मतलब दिखने में अच्छी लगती है जगह। और फोटो या वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी काम हो यहाँ पे आप आ सकते हो, बस पुलिस वाला नीचे ना रुके तो आपका काम हो जाएगा। उतर जा उतर जा बिल्कुल उतर जा उतर जा। दिस प्लेस इज ओके। तो पहुंच गए मयूर में और अभी हम लोग टॉप पे है। यहाँ पे इस साइड कुछ ऐसे घर वर है दो तीन, वहाँ पे अजीत खड़ा है और ये पीछे मेरी बाइक। तो हम लोग जगह ढूंढते हैं जहाँ पे शैडो हो, लोग ना हो, ताकि ऑडियो क्लियर हो, जैसे सीनिक व्यू भी हो थोड़ा सा अच्छा दिखे, ताकि कुछ सिनेमैटिक शॉट्स ले। और गिम्बल भी लाया हुआ हमने। तो बात करते हैं बाइक के बारे में। ये है CB200X, होंडा की है ये। तो बात करते हैं एसेसरीज के बारे में, मैंने इसमें अभी तक क्या क्या लगाया हुआ है। एकदम आगे से स्टार्ट करते हैं। इसमें HJG के लाइट्स लगे हुए हैं, इसमें येलो वाला मैंने कवर लगाया हुआ है। तो येलो एंड ब्लैक दो कवर आते हैं जिसमें आप ब्लैक से इसको कवर कर सकते हो। मैं वाइट और येलो दोनों यूज़ करता हूँ, तो मैंने दोनों लगा के रखे हैं। इसका बटन मैंने लगा के रखा है यहाँ पे। ये पड़े थे मुझे कुछ 6.5K के आसपास, कुछ पड़े थे मुझे 6500 ये हो गया। प्लस ये है प्रीमो कस्टम्स का क्रैश गार्ड, ये मुझे पड़ा था शायद 7000 का, अभी मुझे ठीक से याद नहीं, बट हाँ शायद पुराने वीडियो में देखेंगे तो जाके पता चलेगा 7000 का था शायद आसपास। ये मैंने लगाया है बॉटल होल्डर, इसमें बॉटल स्टोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, हैवी ड्यूटी है, साइकिल वाला नहीं है, बाइक वाला है प्रॉपर। इसको खोल भी सकते हो, मैं कभी भी एडजस्ट कर सकता हूँ, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। ये है शायद 500-600 का, अब ये इस पर रस्ट लग गया है, पर ठीक है यूज़ करता हूँ इसको मैं। ये है मोबाइल होल्डर विथ चार्जिंग स्लॉट। मैं डायरेक्ट प्राइस भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एक वीडियो एसेसरीज के ऊपर, एक वीडियो प्राइस के ऊपर, सब लोग बोलेंगे कि प्राइस क्यों नहीं बता रहा, तो इससे अच्छा मैं सोचा प्राइस भी बता देता हूँ। तो ये है मोबाइल होल्डर, ये है मुझे लगता है 700 का, क्योंकि विथ चार्जर है, ठीक है, ये लोकल स्टोर से ले लिया था, ऑनलाइन में मिल जाता है। ये है GPS माउंट, ये है बैंडिडोस पिट स्टॉप से लिया था मैंने, ये इस बाइक में नहीं आता, इसको अलग से लगाना पड़ता है। तो GPS माउंट मैंने अलग से लगवाया, थोड़ा हिलता है ये चलाते टाइम, बट GoPro में कुछ ऐसा पता नहीं चलता जब शॉट लेते हैं। तो ये अलग से लगाया था GPS माउंट में, ताकि इसमें मोबाइल भी लगा सकूँ एंड यहाँ पे फ़ोन भी, मतलब GoPro भी लगा सकूँ डायरेक्ट में। और ये बाद में अलग से GoPro का माउंट लगाया हुआ है मैंने, जो इससे मैं डैश कैम व्यू आ जाता है आगे पीछे जो भी आपको लेना है। इसके बाद आते हैं हम पीछे। तो पीछे मैंने लगाया है JDR का टॉप बॉक्स, ये मुझे पड़ा था शायद, अच्छा मैंने इसका प्राइस नहीं बताया अगर, तो ये मुझे पड़ा था शायद 1700 का, जो GPS माउंट है इसका मुझे 1700 रुपीज़ पड़ा था, बैंडिडोस पिट स्टॉप से लिया था, वो आप ले सकते हो। फिर आते हैं JDR के टॉप बॉक्स पे। JDR का टॉप बॉक्स पे अराउंड मुझे लगता है 6.5K होगा शायद, या 6K हो सकता है। ये 45 लीटर्स का है विथ ये यहाँ पे एक LED इंडिकेटर है, उसका ये वायर है अंदर गया है, जो मैंने जॉइंट नहीं किया, बट ये लटकता रहता है, बस अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि मैं इसको निकालता रहता हूँ, तो मेरे को बार बार निकालना खुलना पसंद नहीं, इसलिए उसको कनेक्ट ही नहीं किया है। और ये जिस पे लगाया हुआ है ये है बैनिडोस पिट स्टॉप का सैडल स्टे विद टॉप रैक, सैडल स्टे विद टॉप रैक, ये आता है मुझे लगता है 7.5 या 8K के आसपास ही आ जाता है। बैनिडोस पिट स्टॉप के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी एसेसरीज मिल जाएगी। अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा, अगर आपको लग रहा है मैं कुछ बताना भूल रहा हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो ये है फुल्ली एसेसरीज, मतलब फुल्ली मॉडिफाइड एक ऑफ रोडिंग बाइक, ऑफ रोडिंग नहीं बोल सकते, ऑफ रोडिंग प्लस टूरिंग बाइक है ये। बाकी अभी फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो CB200 जिनके पास है या जो खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि उनको पता चल सके क्या क्या एसेसरीज पे खर्चा आ सकता है या क्या क्या चीज़ें लगवा सकते हैं। उनके साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।